गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे। ओके, वर्कशीट वन है क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखिए, इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड एज फ्रेंड्स। एक जंगल था, वहां पर कितने फ्रेंड्स रहते थे? फोर। ओके, तो फोर यहाँ पर फोर फिल करेंगे। ओके, सेकंड देखिए, टॉर्टोइस वॉज ट्रैप्ड इन डैश। वो किसमें फंस गया था? टॉर्टोइस किसमें फंस गया था? ट्रैप मीन जाल में फंस गया था ना। किसके जाल में? लेकिन हंटर है ना, हंटर्स नेट, उसके जाल में फंस गया था ये। डैश प्रिटेंडेड टू बी डेड। क्या करा था उसने? ले डाउन ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर लेटकर मरने का नाटक किया था। ओके, और देखिए, एनिमल्स वर डैश। एनिमल कौन कैसे थे? क्लेवर, चतुर थे एकदम। ठीक है, भी देखिए, इसको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ठीक है, ग्रीडी। ग्रीडी मीन क्या होता है? नेवर सेटिस्फाइड, किसको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हाँ मेरे पास ये है। और लालच बढ़ते जाता है, वो ग्रीडी कहलाता है। ओके, स्टंड। सेकंड देखिए, स्टंड मीन चौंकना, एकदम से चौंकना या हैरान होना या दंग रहना। ओके, कहा है ए सॉग्ड। ये नंबर लिखे हुए, इससे आपको मैच करना है। थर्ड देखिए, ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का है कॉट, यानी कि पकड़ना या फंसा लेना। ठीक है, कॉट। और देखिए, पैक। पैक क्या है? हिट विद अ बेक, चोंच मारना। ठीक है, चोंच से मारना। ट्रिक्ड। ट्रिक्ड मीन चाल चलना। ठीक है, मेड अ फूल ऑफ समवन, किसी को मूर्ख बनाना। फ्लैप्ड मीन मूव्ड द विंग्स वेरी फास्ट, यानी फड़फड़ाना, पंखों को एकदम फड़फड़ाना तेजी से। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है? जो ये ऊपर वर्ड्स दिए हैं, इनका सेंटेंस बनाना है। ओके, आपको क्या करना है? इनका सेंटेंस बनाना है। ये जो वर्ड है ना, इसमें यूज होना चाहिए। देखिए, जैसे यूज वर्ड्स फ्रॉम अबव टू मेक सेंटेंस ऑफ योर ऑन, अपने आप से बनाने हैं। ओके, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, बना रखा है ही इज ग्रीडी। ओके, आपको यही भर लेना आपने। सेकंड देखिए, आई वॉज स्टंड टू हर, मैं उसे देखकर दंग रह गया या रह गई। थर्ड देखिए, द हंटर ट्रैप्ड हिम, जो शिकारी था उसने उसको फंसा लिया। द क्रो पैक हिम, ये वर्ड आया है ना पैक, यहाँ पे देखिए पैक वर्ड। ठीक है, क्रो ने क्या करा? उसको चोंच मार दी, चोंच मारी। फिफ्थ देखिए, दे ट्रिक्ड विद देम, वो उनके साथ चाल चलते हैं। सिक्स देखिए, द क्रो फ्लैप देयर विंग्स, जो क्रो था उसने क्या करा? अपने पंखों को फड़फड़ाया। यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर राइट फॉर राइमिंग पेयर, यानी कि राइमिंग यानी कि सेम होना चाहिए। जैसे ट्रैप फ्लैप, क्रो क्रो, पैक पैक, देयर हेयर। ठीक है, ऐसे आपको फील करने हैं। अब यार डी वाल देखिए, लुक एट द सीन एंड राइट डी फॉर डोमेस्टिक एनिमल एंड डब्ल्यू फॉर वाइल्ड एनिमल इन ब्रैकेट। जो ये बॉक्स बने हैं ना, इसमें लिखना है जो वाइल्ड है, यानी कि जो जंगल में रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स कहलाता है ना, वहां पर डब्ल्यू लिखना है। ठीक है, और जो डोमेस्टिक, जो घरों में हम लोग पालते हैं, वहां पर क्या लिखना है? डी। ये बॉक्स बने ना, इसमें इन सब में आपको लिखना है। ओके, फिर क्या करना है उसके बाद? राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स यू सी इन द अबव पिक्चर, जो जो आपको यहाँ एनिमल्स दिख रहे हैं, इन सबके यहाँ पर नाम लिखने हैं। ओके, जो जो एनिमल्स है उन सबके यहाँ पर आपको फिल करना है। ओके, यहाँ सब में फिल करना है आपको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स है ना, तो सिक्स नेम लिखने हैं आपने। ओके, ठीक है, समझ आई आपको वर्कशीट? ठीक है, अच्छे से फिल करना है। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।